माँ बाप अपने औलाद का निकाह करना चाहें तो उन्हें अपने घर के अंदर ऐसा माहौल रखना चाहिए जिसकी वजह से बेटी से इजाज़त लेने में मुश्किलात ना हो, और अगर आपस में तकल्लुफ भी है तब भी इजाज़त लेना तो हुक्म है अल्लाह और उसके रसूल का, इसलिए इजाज़त तो लेनी है। हम वक्त गुजरने के साथ साथ यूँ महसूस करते हैं कि हमने अपनी औलादों को ज़्यादा आज़ादी दे रखी है, लेकिन एक्चुअली अभी भी हम ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पर बेटी से इजाज़त लेने का मामला काफ़ी बड़ी तादाद में यूँ समझा जाता है कि शायद ये दीन के मुनाफी है या फैमिली वैल्यूज़ के मुनाफी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हक पर मबनी है, जैसे निकाह करना हक है इसी तरह से लड़की की इजाज़त तलब करना भी हक है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम एक औरत को कितना बड़ा राइट देता कि उसका वालिद, जिसने सारी ज़िंदगी परवरिश किया, परवान चढ़ाया, जो उसके बारे में बेहतर डिसीजन कर सकता है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं कर सकता, उसकी इजाज़त के बगैर डिसीजन नहीं कर सकता। अजीब माहौल है हमारा कि कोएजुकेशन में बेटियाँ पढ़ें, जैसे भी यानी उनके ताल्लुकात हों, मामलात हों, नेट पे मुख्तलिफ तरह के सोशल मीडिया पे चैट के ज़रिए से, लेकिन अगर कोई लड़की के निकाह का मौका आता है और घर वालों के सामने ये बात आती है कि फलां तरफ लड़की की रग़बत है, तो सबसे ज़्यादा घर वाले ही रुकावट बन जाते हैं। ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन निकाह तो मैं हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना होगा। इस लिहाज से इस चीज़ की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। बात यह कि ये रिश्ता निकाह है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ऐसा रिश्ता करार दिया। मिसाल कैसी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास। यानी जैसे कपड़ा आपके करीब होता है और आपके जिस्म को ढांपता है और आपको हुस्न देता है, इसी तरह से ये रिश्ता भी ऐसा ही है। तो इतना क्लोज जहाँ पे ताल्लुक हो, अगर दिल ना मिलते हों तो ऐसी सूरत में अगर औरत की कोई रग़बत ना हो तो उस पर इम्पोज नहीं किया जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बेटी की शादी करे तो पहले उससे इजाज़त ले ले। सवाल ये पैदा होता है कि ये इजाज़त किस तरह से ली जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार अगर हम देखें तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी लड़की से, यानी पर्दा जो ख़वातीन के और आपके दरमियान होता था, आप बच्ची को बुलाते थे और यूँ कहते थे कि यानी उस मर्द का नाम लेके जिसके साथ या उस लड़के का जिसके साथ निकाह करना होता था कि फलां ने इस तरह से ज़िक्र किया था, तो अगर लड़की खामोश हो जाती, कंवारी होती, खामोश हो जाती तो उसकी खामोशी को नीम रजामंदी समझा जाता, और अगर वो यानी शादीशुदा होती तो फिर वो मुंह से इकरार करती तो उसी इकरार को उसकी रजामंदी करार दिया जाता। तो दोनों में फ़र्क है। गैर शादीशुदा लड़की जो है वो अगर सिर्फ खामोश रह जाए यानी मुशक्क़त के साथ नहीं, मैं समझती हूँ आज हमारा दौर काफ़ी चेंज हो गया, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ इजहार ना कर सकें, लेकिन फिर भी सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोग मौजूद होते हैं और इस्लाम तो हर तरह के लोगों के लिए गाइडलाइन देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी प्यारी बात कही, अल्फाज का इतना खूबसूरत इंतखाब है कि आपने फरमाया कि जब आदमी अपनी बेटी की शादी करे तो पहले उससे इजाज़त ले ले, यानी जिसने रहना बसना है उससे इजाज़त लेनी ज़रूरी है।